जय हिंद दोस्तों, सीएसके केयर में आप लोगों को स्वागत है। मैं छोटन कुमार आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वह हमारा शरीर का हार्ट है। हमारा शरीर का क्या है? हार्ट है। तो इसमें से हम लोग करना क्या है, मानो हार्ट के बारे में, हृदय के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। किसके बारे में करेंगे बाबू? देखिए दोस्त, हृदय कैसे रक्त को पंप करता है, रक्त कहाँ से आता है, शुद्ध कहाँ से आता है और शुद्ध कहाँ जाता है, पूरे शरीर में कौन उसको क्या करता है, ट्रांसफर करता है, मतलब पहुंचाता है, पंप करता है, इस सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके सीखेंगे। देखिए तो अब मानव हृदय है क्या, तो इसमें मानव हृदय के साथ साथ सबको हृदय हम सीख लेते हैं। देखिए हृदय जो होता है ना, यह रक्त को पंप करता है। क्या करता है? देखिए एक एक मैटर को ध्यान से समझिएगा, इसमें एक एक मैटर है ना, यही पे पूरा का पूरा याद हो जाएगा। ये और सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए जो पढ़ रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो नहीं पढ़ रहे हैं ना उनके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए तो मान या जो हृदय है, हार्ट, हार्ट ऐसे होता है ना, धक धक करता है, देखिएगा ना, ऐसे रखिएगा ना, धक धक अंदर से आवाज आता है। तो क्या होता है, जैसे आला देखे हो, आला डॉक्टर साहब, स्टेथोस्कोप, तो वो क्या करते हैं, कान में लगा लेते हैं, यहाँ पे सटाते हैं, धक धक धड़कन की आवाज आती है, तो वो आला से देख लेते हैं कि हृदय चल रहा है कि नहीं चल रहा है। देखिए तो मछली जो होती है ना, क्या होती है दोस्त? मछली, हृदय का काम क्या होता है? पूरे शरीर में रक्त को पहुंचाना, पूरे शरीर में रक्त को पहुंचाना। यह कहाँ होता है? सीने से हल्का बाईं तरफ होता है, सीने से मतलब यहाँ पे होगा, यह सीना है ना, तो ये कहाँ होगा? यहाँ पे हल्का बाईं तरफ होता है। यह जो हार्ट होता है कहाँ होता है? नहीं, लोग कहते हैं दिल के दौरा पड़ गया है, हार्ट अटैक आ गया। ए, सुने को नहीं सुने हो? हार्ट अटैक तो यहीं पे, अगर हार्ट अटैक वाला मरीज होता है ना, ऐसे करता है, ओ ऐसे उसको करता है, यही पे दर्द में होता है उनको। और ब्रेन हेमरेज होता है तो यहाँ से होता है, ब्रेन के नसें होती है। चलिए तो ये जो मछली होती है ना, मछली मछली, इनका जो हार्ट होता है ना, वो दो चैम्बर से बना होता है। कितने चैम्बर से बाबू? अब देखिए चैम्बर क्या है, हार्ट में जितना खंड होता है ना, जितना भाग होता है, उस भागवा को चैम्बर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? चैम्बर। तो मछली में कितना चैम्बर होता है? दो। इसको कहते हैं हम, ऊपर वाला जो होता है ना उसको अलिंद कहते हैं। क्या कहते हैं? अलिंद कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? और नीचे वाला को निलय कहते हैं। क्या कहते हैं? निलय कहते हैं। क्या कहते हैं? निलय कहते हैं। तो मछली में कितना चैम्बर हुआ, मछली के हार्ट में, हृदय में कितना चैम्बर हुआ? दो। कितना हुआ? दो हो गया। देखिए अब यह अलिंद होता है, इसको कहते हैं एस्ट्रियम। क्या कहते हैं दोस्त? इसको कहते हैं वेंट्रिकल। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो इंग्लिश में यह देखिए, तो मछली में हो गया, और यह जो हृदय होता है, जो ढाका होता है ना, उस झिलिया का नाम होता है। अभी हम आगे चल के पूरा मानव हृदय का विशेष हम लोग विशेषता बताएंगे, अभी छोटे छोटे जीवों के बारे में सीख लेते हैं। तो उसके बाद मछली हो गया, अब मछली के बाद में जो हमारा आता है वो आता है मेढक आता है। देखिए मेढक क्या आता है दोस्त? मेढक, छिपकली। क्या आता है? छिपकली। और उसके बाद क्या आता है? सांप। इनका जो हृदय होता है ना, वह तीन चैम्बरों का होता है। कितना चैम्बरों का होता है? कितना चैम्बरों का होता है दोस्त? तीन चैम्बरों का होता है। यह जो हृदय होता है, यह तीन चैम्बरों का होता है। एक दो तीन, एक दो और तीन चैम्बरों का होता है। और इस तीन चैम्बर में क्या होता है? निलय होता है। ऊपर वालों क्या कहते हैं? अलिंद। ऊपर वालों क्या कहते हैं? इसको हम ऐसे बना देते हैं, मान लीजिए एक यहाँ से एक ऊपर ऐसे हो जाएगा और एक ऊपर ऐसे हो जाएगा, एक दो और एक नीचे वाला। तो आप देखिए खूब ध्यान से, इसको थोड़ा सा हम ऐसे कर देते हैं, तो यह जो हो जाएगा, यह अलिंद हो जाएगा, और यह भी क्या हो जाएगा? अलिंद। और यह नीचे वाला क्या हो जाएगा? नीला। क्या हो जाएगा? नीला। तीन चैम्बर का होता है। और मगरमच्छ जो होता है ना, उसका हृदय चार चैम्बर का होता है। कितना चैम्बर का होता है दोस्त? कितना चैम्बर का? चेंबर क्या है? हृदय कितने जितने भागों में बांटा रहता है ना, उसी को स्थानवा को हम क्या कहते हैं? चेंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? अब हम लोग को कौन हृदय पढ़ना है? मानव हृदय। कौन हृदय पढ़ना है? चलिए तो मानव हृदय हम लोग बना रहे हैं यहाँ से। देखिए
इसको हम आगे बढ़ाएंगे देखिए यह जो नली है ना यह क्या है बाबू नली है तो इसको कहते हैं फुसफुस शिरा क्या कहते हैं फुस शिरा फुसफुस शिरा जिसको पल्मोनरी वेन कहते हैं क्या कहते हैं पल्मोनरी वेन पल्मोनरी वेन अब देखिए अब उसके बाद क्या हो गया पल्मोनरी वेन हो गया फुसफुस शिरा हो गया जो हृदय होता है अब देखिए क्यों यह मोटा है क्यों यह पतला अभी हम बताएंगे यह मोटा क्यों होता है या पतला क्यों होता है देखिए यह हो गया हृदय का लेफ्ट साइड जैसे मैं इधर घूम रहा हूँ देखिए हम ऐसे ना खड़े होंगे ऐसे खड़े होंगे ना तो यह लेफ्ट है कि नहीं लेफ्ट है यह लेफ्ट साइड हो जाएगा तो हम यहाँ पे लिख देंगे कौन साइड लेफ्ट साइड कौन साइड लेफ्ट साइड और यहाँ वाला कौन हो जाएगा राइट साइड कौन साइड हो जाएगा बाबू राइट साइड यहाँ तो कोई दिक्कत चलिए तो इसको ना इसका नाम क्या है जो नस आता है इसका नाम क्या है फुसफुस शिरा पल्मोनरी वेन क्या नाम है बाबू चलिए अब उसके बाद एक यहाँ वाल लगा रहता है क्या लगा रहता है वाल क्या लगा रहता है बाबू वाल लगा रहता है यहाँ से और यहाँ से यह वाल यहाँ के सटर रहता है इसमें क्या लगा रहता है वाल अब देखिए यह हो गया सबसे पहले हृदय दो भाग में बढ़ता है एक एक बाया भाग और एक दाया भाग एक बाया भाग और एक दाया भाग एक बाया भाग और एक दाया भाग यहाँ तो कोई दिक्कत अब इसको भी हम आगे बढ़ाते तो यह ऐसे होता है ऐसे निकल जाता है और यहाँ पे होता है भेना कावा क्या होता है दोस्त भेना कावा जिसको कहते हैं महाशिरा क्या कहते हैं महाशिरा क्या कहते हैं महाशिरा कहते हैं यह क्या करते हैं इसको ऐसे कर देते हैं यह क्या है बाबू भेना कावा क्या है दोस्त भेना कावा और यहां से फिर यह क्या होता है ऐसे हो जाता है और यह ऐसे हो जाता है हमारा अब यहां देखिए दोस्त खूब ध्यान से जैसे यहां पर वाल लगा है क्या लगा है दोस्त क्या लगा है इसका नाम है बाइकस्पिक वाल क्या नाम है बाबू यहां से हमने लिख लेते हैं इसका नाम है बाइकस्पिड वाल क्या नाम है बाबू बाइक कॉस्पीड वाली सबका काम बताएंगे और यह जो नली निकलता है इसका नाम है एरोटा क्या नाम है दोस्त इसका नाम है एरोटा जिसको कहते हैं महाधमनी क्या कहते हैं महाधमनी एरोटा कहते हैं क्या कहते हैं और यह जो वाल होता है इसको कहते हैं एरोटिक वाल क्या कहते हैं एरोटिक वाल अब देखिए क्या क्या बन रहा है तो जैसे यहाँ एक वाल होगा उसी तरह एक वाल यहाँ होगा कोई दिक्कत उसी तरह एक वाल कहाँ होगा दोस्त यहाँ होगा और यहां से क्या हो जाएगा ये निकल जाएगा और यहां से भी यह क्या हो जाएगा निकल जाएगा खूब ध्यान से देखिए जैसे हमने एक यहां वाल बनाया इसका वाल नाम क्या है इसका नाम है क्या दोस्त नाम क्या है वो बाइकस्पिक क्या नाम है बाइकस्पिक इसका नाम क्या है बाइकस्पिक तो यह सेम वाल एक ऐसा यहां बनता है इसका नाम है ट्राइकस्पिक वाल क्या नाम है ट्राइकस्पिड वाल अब देखो वाल का काम होता है ना ऊपर से नीचे की तरफ खींचना जैसे कल में यही ना वाल लगता है कल में कौन लगता है यह वाल लगता है देखिए ना इधर कलवा है जब यहाँ उसके थलिया में लगा रहता है ये वालवा तो ये वालवा क्या करते हैं खींचते हैं ना
जब कल के डंडी चलाते हैं तो ऊपर आता है तो यह जो बीच वाला भागवा है एक खुल जाता है, पानिया निकल जाता है, फिर जाके सब सब जाता है। तो अब इसमें ब्लडिंग के बारे में हम लोग समझ रहे हैं कि ब्लडिंग होता कहाँ से, खूब ध्यान से देखिएगा कैसे ब्लड आता है खून और कैसे निकल जाता है। अब देखिए इसका नाम क्या हो गया, बाइकस्पिड वाल्व। इसका नाम क्या हो गया, ट्राइकस्पिड वाल्व। अब देखिए बाबू यह जो हो गया यह हृदय का कौन भाग है, लेफ्ट साइड। कौन भाग है बाबू, और यह कौन भाग है, तो हृदय दो भागों में बांटा होता है, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। और हृदय में मानो हृदय में चेंबर कितना होता है, चार। अब चारों चेंबर वा कौन कौन है, एक वो तो इधर रक्त इसमें गिरेगा, रक्त इसमें गिरेगा, इसमें गिरेगा, रक्त किसमें गिरेगा, इसमें। तो इसको देखो तो मछलिया में बताया है ये क्या है, अलिंद। इसको क्या कहते हैं बाबू, अलिंद। इसको हम लोग कहेंगे अलिंद। अलिंद इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं दोस्त, ऑस्ट्रियम, ऑस्ट्रियम। आज जो नीचवा वाला यहाँ एक खंड है कि नहीं, इसका नाम होता है, इसका नाम क्या है, नीलय। क्या नाम है बाबू, इसको वेंट्रिकल कहते हैं, इसको कहते हैं नीलय। अब देखिए खूब ध्यान से, हृदय के चार चेंबर कौन कौन, बाया अलिंद, बाया नीलय, बाया अलिंद और बाया नीलय। अब उसी तरह यहाँ आएगा दाया, यह अलिंद होगा कि नहीं होगा, दाया अलिंद और दाया, खूब ध्यान से देखिए, दाया अलिंद और दाया, यह दाया अलिंद हो जाएगा और दाया क्या हो जाएगा, नीलय आ जाएगा। खूब ध्यान से देखिएगा। अब यहां देखिए, जैसे इसका नाम हो गया कौन, बाइकस्पिड वाल्व, इसका ट्राइकस्पिड वाल्व, इसका नाम हो गया यहाँ पर एरोटिक वाल्व, तो इसी इसका भी तो नाम होगा, तो इसका नाम है पल्मोनरी वाल्व। कौन नाम है बाबू, पल्मोनरी वाल्व। चलिए हम इसको क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हम यहाँ लिख देते हैं, यह ट्राइकस्पिड है ना, ट्राइकस्पिड वाल, और इसका नाम है पल्मोनरी वाल। क्या नाम है बाबू, पल्मोनरी वाल। कोई दिक्कत, अब खूब ध्यान से देखिएगा, यह हृदय का हमारा क्या है, सिस्टम है। अब कहां से रक्त आएगा, कहां से नहीं आएगा, कहां से पंप होगा, पंप जनरेट कौन करता है, इलेक्ट्रिक पैदा कौन करता है, हृदय का धड़कन कैसे चेक करते हैं, कब धड़कता है। यह देखिए मानो हृदय होता है ना बाबू 300 ग्राम का होला है, कितना ग्राम का होला हो, 300 ग्राम। कितना ग्राम का होला, 300 ग्राम। खूब ध्यान से देखिए, ये 300 ग्राम में हृदय होता है और सब खून वह हृदय से होके जाता है, कहाँ से जाता है बाबू, कहाँ से होके जाता है, हृदय से होके जाता है। तो बताइए एक शरीर में 5 लीटर खून होता है तो जाता कैसे, इसको हम लोग सीखेंगे अभी। चलिए तो अब देखिए बाबू, ब्लड जो होता है ना मानो हृदय में यहाँ से जाता है, महाशीरा यहाँ से आके इसे इसमें जाएगा और यहाँ से आके इसमें जाएगा। खूब ध्यान से देखिएगा, तो ब्लड जब इसमें जाता है ना, सबसे पहले क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आप नौकरी के एग्जाम में जाइएगा कहीं भी, तो सबसे पहले जो हृदय में ब्लड कहाँ जाता है, सबसे पहले शुद्ध होने के लिए कहाँ जाता है, शुद्ध होने के लिए कहाँ जाता है, तो अब देखिए कहाँ जाता है। तो सबसे पहले हृदय जो ब्लड होता है वह अशुद्ध ब्लड, अशुद्ध ब्लड क्या है, अशुद्ध मतलब क्या होता है, इम्प्योर, एक होता है प्योर ब्लड एक होता है इम्प्योर। तो अशुद्ध रक्त जो होता है वह रक्त जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, वह रक्त जिसमें ऑक्सीजन, उसे अशुद्ध रक्त कहते हैं। तो इधर जो रक्त आएगा ना इसका नाम होता है अशुद्ध रक्त, इधर जो रक्त आएगा उसका नाम क्या आएगा बाबू, अशुद्ध रक्त। तो यहाँ से रक्त आएगा, यहाँ से रक्त अंदर जाएगा। अब खुद ध्यान देखिए, यहाँ जाएगा तो यहाँ गिरेगा ना बाबू, देखिए गिरेगा ना, तो यहाँ गिरेगा तो यहाँ रहेगा, यहाँ भर जाएगा, सब भर जाएगा। अब यहाँ से पंप होता है ना, एक बात बताइए, तो इधर से गिर रहा था तो बंद हो जाएगा ना, बोलिए बंद होगा कि नहीं बंद होगा। तो पंप जब भाई करता है ना तो यहाँ से जाके निकलता है और यहाँ जाता है तो फेफड़ा में जाता है, कहाँ पे जाता है, कहाँ जाता है, जिसको लंग्स कहते हैं, फेफड़ा में जाता है। देखिए अशुद्ध रक्त हमारे शरीर में क्वेश्चन आता है किस भाग में जाता है, तो दाएं भाग में, किस भाग में, दाएं भाग में। खुद अशुद्ध रक्त मानव शरीर में, मानव शरीर के हृदय के किस भाग में जाता है, दाएं की बाएं, दाएं। दाएं। खूब ध्यान से देखना,
यह मोटा क्यों है, यह पतला क्यों, अभी मैं समझा रहा हूँ क्यों मोटा है क्यों पतला है। तो अशुद्ध रक्त कहाँ जाता है सबसे पहले बाबू? दाएं। कहाँ जाएगा? दाएं। और सबसे पहले कहाँ जाएगा? तो दाया अलिंद। ओकरा बाद से कहाँ जाएगा? दाया नीलय। दाया अलिंद, अलिंद के बाद कहाँ जाएगा? दाया नीलय। उसको पंप करेगा तो यह पल्मोनरी वाल के द्वारा कहाँ जाएगा? फेफड़ा में। कहाँ जाएगा? आप फेफड़ा से ये क्या हो जाएगा? जाएगा तो वहां से शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध मतलब वहां ऑक्सीजन उसको मिल जाएगा, कोई दिक्कत। अब यह क्या करेगा? फिर इधर आएगा और फुफ्फुस शिरा के द्वारा कहाँ आएगा? बाया अलिंद में आएगा। कहाँ आएगा बाबू? कहाँ आएगा? अब देखिए खूब ध्यान से देखिए, यहाँ जो रक्त होता है ना, यहाँ वो लाल नहीं होता है। वह लाल उसका मतलब अशुद्ध होता है, हरा कलर का होगा या कम लाल होगा, मतलब सुंदर है ना। लेकिन इधर से जब यह सबसे पहले रक्त आएगा यहाँ पर, जिसका नाम है दाया अलिंद, उसके बाद कहाँ गिरेगा? यहाँ पर दाया नीलय। और नीलय जब पंप करेगा तो पल्मोनरी वाल के द्वारा ही माई निकलेगा ये, और कहाँ जाएगा? सीधा फेफड़ा में। और फेफड़ा फेफड़ा में से शुद्ध होकर किधर आएगा? इधर बाएं तरफ। किधर आएगा बाबू? तो इधर से जो रक्त आएगा ना वह लाल होके आएगा। क्या होके आएगा बाबू? लाल होके आएगा। तो अब रक्त कहाँ जाएगा सबसे पहले? तो बायां अलिंद में जाएगा। कहाँ जाएगा? बायां अलिंद। और बायां अलिंद से कहाँ जाएगा? बायां नीलय। कहाँ जाएगा बाबू? यह भर जाएगा यहाँ के। क्या हो जाएगा बाबू? तो यह फिर पंप करता है तो एरोटिक वाल के द्वारा शरीर में पूरा जाके पहुंच जाता है रक्त। अब क्वेश्चन आता है, हृदय से पूरे शरीर में रक्त को कौन पहुंचाता है? तो महाधमनी, जिसका नाम क्या है? एरोटिक, एरोटा। क्या नाम है बाबू? एरोटा। आ किस सिरा से निकलता है वो? एरोटिक वाल। यह जो नसें होती है कौन वाल होती है? एरोटिक वाल होती है। यह जो होता है एरोटिक वाल है, यहाँ पे एक वाल लगा रहता है, जब यहाँ से पंप करेगा तो बंद हो जाएगा बाबू। देखिए यहाँ देख लीजिए खुद ध्यान से, यहाँ पे मैंने ऐसे रखा इसको, यहाँ पे मैंने ऐसे रखा, गिर गया ना। लेकिन अभी इसको पुनः ऐसे हम करेंगे तो नीचे से ऐसे जाएगा? नहीं जा पाएगा ना। ऐसे करेंगे तो आ जाएगा, आसानी से खुल जाएगा। तो अब खूब ध्यान से देखिए बाबू, तो यहाँ पे मैटर समझते रहिएगा। सबसे पहले रक्त कहाँ आता है? अशुद्ध रक्त दाया दाया अलिंद, दाया और वहां से दाया नीलय, और वहां से या क्या है पल्मोनरी वाल के द्वारा कहाँ जाता है? फेफड़ा में। फेफड़ा में ऑक्सीजन मिलता है तो वह फिर किधर पहुंचता है? बाएं साइड। और बाएं साइड किसके द्वारा? फुफ्फुस शिरा के द्वारा क्या होता है? बाया अलिंद में आता है। कहाँ आता है बाबू? और बाया अलिंद से कहाँ आता है? बाया नीलय। कहाँ आता है? और बाया नीलय से क्या होता है? एरोटिक वाल जब यहाँ खुलता है, अब देखो जब यह पंप करता है ना तो हाई खुलेगा कि हाई खुलेगा? हाई तो बंद हो जाएगा। देखिए खूब ध्यान से देखिए बाबू, यह जो होता है ना, इधर से जब पानी यहाँ पे जो खून गिरता है ना इसमें, तो इधर से ये पंप करता है, ये तो बंद हो गया मुँह। अब कहाँ जाएगा? इधर में जाएगा ना। तो जब पंप करता है तो हरा हरा निकलता है इधर से, और इसका नाम है एरोटा, महाधमनी। यह पूरे शरीर में ले आके पहुंचा देता है, पूरे शरीर में ले आके। अब खूब ध्यान से देखिएगा, यह वाला भाग मोटा है, यह वाला भाग क्या है? पतला है। यह वाला भाग मोटा है और यह वाला भाग, खूब ध्यान से देखिएगा बाबू, यह जो है इससे रक्त कहाँ जा रही है? फेफड़ा में जा रहा है। और इससे रक्त जो हो जा रहा है पूरे शरीर में, तो सबसे ज्यादा काबू किसको पड़ेगा? इसको पड़ेगा ना, बोलिए किसको पड़ेगा? माँ धमनी के एरोटा को पड़ेगा। इसीलिए ये शरीरवा क्या होता है? मोटा होता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? सबसे ज्यादा काबू की आवश्यकता किसको पड़ेगी? इसको पड़ेगी, क्योंकि यही से ना पूरे शरीर में जा रहा है, तो पूरे शरीर को कवर करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, तो इसलिए यह मोटा नहीं रहेगा ना तो गबड़ा जाएगा। मोटा नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब यह हो गया, सब वाल के बारे में समझ लिया, इसी तरह हमारा हृदय में सेम रहता है। अब हम क्या करेंगे? देखो बाबू, यहाँ पर जो होता है एक मसल्स होता है। क्या होता है बाबू? मसल्स होता है, जिसका नाम है साइनोनोड, जिसका नाम है साइनोएस्ट्रियम नोड। यहाँ पे हो जाएगा साइनोएस्ट्रियम नोड, जिसको हम एसएन भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बाबू? एसएन नोड लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब देखो इसका काम क्या होता है बाबू, यही जो होता है ना, यह हृदय में इलेक्ट्रिक पैदा करता है। क्या पैदा करता है?
और इसी इलेक्ट्रिक चलते ही आप पंप करता है, कोई दिक्कत नहीं। यही जिसका काम करना बंद हो जाता है ना, तो हृदय का धड़कन धीरे धीरे रुकना शुरू होता है। क्या होता है बाबू? धीरे धीरे रुकना। तो इसको चेंज, आर्टिफिशियल चेंज हो जाता है। डॉक्टर के पास जाते हैं जिसका ये काम, इसका नाम है साइनोएस्ट्रियम नोड। इसका नाम क्या है? साइनोएस्ट्रियम नोड। यही क्या करता है? इलेक्ट्रिक पैदा करता है। क्या करता है बाबू? इलेक्ट्रिक। एक बात बताइए, जब यहाँ से पंप मारेगा तो कुछ ना कुछ होनी चाहिए ना भाई। तो यह इलेक्ट्रिक पैदा करता है तो यहाँ से पंप मारता है। तो किसी किसी का यह खराब हो जाता है, तो यह जाते हैं तो क्या करते हैं? डॉक्टर इसको बदल देता है, आर्टिफिशियल इलेक्ट्रिक लगा देता है, जिसको हम पेस मेकर कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? पेस मेकर कहते हैं। इसको बदलने के क्या कहते हैं? पेस मेकर। क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी का हृदय काम नहीं कर रहा है तो उसका हृदय निकाल के दूसरा हृदय लगा सकता है, जिसको बाईपास सर्जरी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? यह अमीरों में होता है। किस में होता है? अमीरों में होता है। बाईपास सर्जरी के मतलब आपका हृदय 300 ग्राम का ना हो, इतना बड़ा थोड़ा है। 300 ग्राम का वजन कितना होता है? इतना में करेगा? अरे 300 ग्राम के से ज्यादा तो लगभग लगभग यही हो जाएगा 200 ग्राम के। तो यही समझ में, समझ लीजिए इतना होता है। देखिए तो हमको साइनोएस्ट्रियम नोड समझेंगे, यह काम करना, यही क्या करता है। अब क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि साइनोएस्ट्रियम नोड जो हृदय को पंप करने के लिए करंट पैदा करता है वह कहाँ होता है? हृदय में किस स्थान पे होता है? तो दाएं, दाएं भाग में होता है। कौन भाग में? दाएं। तो दाएं अलिंद के लगे होता है, कोई दिक्कत? यह क्वेश्चन एग्जाम में आता है। बीपीएससी यूपीएससी जहां भी जाएंगे तो यह क्वेश्चन उसके एग्जाम में आएगा। शुद्ध रक्त शरीर हृदय में किस भाग प्रवेश करता है? तो बाएं साइड। सबसे पहले कहा तो बायां अलिंद, उसके बाद कहा होता है बायां नीलय, उसके बाद बायां नीलय, और उसके बाद महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर में क्या होता है? फैल जाता है, कोई दिक्कत? और पूरे शरीर में फैलने के लिए उसको शक्ति की ज्यादा आवश्यकता होती है, इसीलिए बायां साइड हृदय क्या होता है? मोटा होता है। क्या होता है बाबू? यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर यह जो यहाँ से देखिए, यह रक्त है, यह हमारा क्या है? रक्त है। लाल, लाल रक्त क्या होता है? शुद्ध होता है। और शुद्ध रक्त किसे कहते हैं? जिसमें ऑक्सीजन हो, जिसमें ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन। रक्त के पूरा खेल हो गया, यह भी हो गया। जिसको इसको बदलने के क्या कहते हैं? पेसमेकर। इसको बदलने क्या कहते हैं? साइनोएस्ट्रियम नोड को बदलने को हम पेसमेकर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? पेसमेकर। ये आर्टिफिशियल लग सकता है, जिससे फिर हृदय के धड़कन क्या हो जाएगा? चालू हो जाएगा। अब देखिए बाबू, जब इसमें रक्त आता है ये भर जाता है, और यहाँ आता है तो यह प्रेशर देता है। ये क्या करता है? प्रेशर देता है। तो इसमें हर 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 रक्त निकलता है। तो अब देखिए खूब ध्यान से, जब रक्त इसमें आएगा तो ये खुलेगा ना, ये खुलेगा ना, तो ऐसे ऐसे की आवाज आती है, खुलता है। और जब रक्त फिर इसमें जाएगा तो ये भी मुंह खुलेगा, तो मुंह खुलेगा तो आवाज आएगा ना बाबू। तो यह मुंह खुलता है तो रक्त जाता है, फिर बंद होता है, फिर जाता है, फिर हृदय एक बार में कितना बार धड़कता है? कितना बार बाबू? 1 मिनट में कितना बार? 72 बार धड़कता है 1 मिनट में। तो अब देखिए ये 1 मिनट में कितना बार खुलता होगा? 72। तो 72 बार खुलता है ना। तो ये क्या करता है, जैसे रक्त यहाँ से ये पंप किया, क्या किया बाबू? पंप किया, तो हर इसमें से रक्त निकलेगा 1 मिनट में 72 बार। तो इसमें जब खुलता है ना तो आवाज आती है, देखिए खुल रहा है बंद हो रहा आवाज आ रहा ना, तो उस आवाजवा का नाम होता है लब डब, लब डब, लब डब। जो आला देख के डॉक्टर देखते हैं वही चेक करते हैं आवाजवा सही है ना, कितना क्या, उसका आवाजवा का नाम क्या है? लब डब। आला देखे हो स्टेथोस्कोप, कानों में लगा के डॉक्टर साहब रखते हैं दिलवा पर, किस पे रखते हैं? तो किसका आवाज देता है? लब डब, लब डब, लब, माने खुलेगा तो निकलेगा लब डब, लब डब, लब डब, इसी तरह ये आवाज देता है। अब समझ में आ गया ना, वो कभी चेक करते हैं लब डब, चेक करते हैं कि आपका लब डब ठीक है ना, तो बस काम बढ़िया से कर रहा है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, रक्त सर्कुलेशन हो गया। देखिए अब हृदय का सतह एग्जाम में पूछता है, हृदय कितने सतह का होता है? हृदय तो हृदय 3 सतह का होता है, कितने सतह होता है? 2। अब तीनों सतह कौन कौन है? यहाँ देखिए, यह पहला तो यह हो जाएगा, पहला यह हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहला सतह होगा जिसका नाम है पेरिकार्डियम, पेरी कार्डियम,
और दूसरा है अंदर वाला, दूसरा कहाँ वाला है बाबू? अंदर वाला। जिसका नाम है इंडो कार्डियम, क्या नाम है बाबू? इंडो, इसका नाम देते हैं इंडो कार्डियम। और तीसरा जो होता है बीच में मसल है कि नहीं, देखिए तो बोलिए मसल है कि नहीं मसल है? यहाँ बीच में मसल होता है जिसका नाम है मायोकार्डियम, क्या नाम है बाबू? मायोकार्डियम। इसका नाम हो जाएगा हमारा मायोकार्डियम। अब देखिए तो हृदय का कितना सतह हुआ? तीन। पहला पेरिकार्डियम जो बाहरी होता है, इंडोकार्डियम जो अंदर होता है, और बीच वाला जो मसल होता है इसका नाम है मायोकार्डियम, क्या नाम है? मायोकार्डियम। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब देखो उसके बाद देखिए यह जो होता है हृदय वो दोनों भाग में इसको बांटता कौन है? यही ना बांटता है, देखो तो यह बांट रहा है कि नहीं बांट रहा है? तो इसका जो नाम हो जाएगा ना, इसका नाम है कार्डियक सेप्टम, क्या नाम है बाबू? इसका जो नाम है कार्डियन, देखो सेप्टम मतलब सेपरेट करता है, यही तो दोनों को क्या करता है? सेपरेट लेके सटाता है। तो यह बीचों में इसका नाम है कार्डिएट सेप्टम, कार्डिएट सेप्टम। कोई दिक्कत? अब देखिए बाबू हृदय जो होता है ना यह शंकु के आकार का होता है, किसके आकार का होता है? शंकु का दोस्त आकार का होता है। तो शंकु कैसे होता है देखिए, तो ऐसे ना होता है, बोलिए होता है कि नहीं होता है? तो शंकु के नीचे वाला भाग नुकीला होता है, यहाँ थोड़ा सा नुकीला दिख रहा है ना आपको? हाँ। जैसे बनाया गया था थोड़ा सा नुकीला दिख रहा है ना यहाँ पे? हाँ। ऐसे देखने में नहीं लग रहा है, देखने में लग रहा है ना कि ऊपर नुकीला है। हाँ। लेकिन ऐसा कोई नहीं है, ऊपर का भाग इसका होता है बराबर, जिसको हम बेस कहते हैं, क्या कहते हैं? तो हृदय के ऊपरी भाग को बेस और नीचे के भाग को एपिक कहा जाता है, एपिक्स, क्या कहते हैं बाबू? एपिक्स। नुकीलवा भाग को क्या कहते हैं? एपिक्स। वास्तव में हृदय इसी आकार का होता है। अब हम लोग यहाँ समझ लेते हैं कि हृदय 72 बार एक मिनट में धड़कता है, तो एक शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। तो बताइए यह 300 ग्राम के हृदय 5 लीटर झेलेगा कैसे? हो फट ना जाएगा, इस तरह ससुरा चीटिंग है ना? हो ऐसा चीटिंग नहीं है? तो कैसे होता है इसको भी समझ लेते हैं। देखिए दोस्त यहाँ पर देखिए एक मिनट में हृदय कितना बार धड़कता है? कितना बार? एक मिनट में कितना बार? 72 बार धड़कता है। कोई दिक्कत? और एक बार में लगभग 70 ml ब्लड बाहर निकलता है। एक बार में कितना बार खून निकलता है? 70 ml। एक बार में लगभग 70 ml ब्लड क्या होता है? निकलता है। यानी कि खूब ध्यान से देखिए, एक बार जब ये खुलेगा ना, एक बेर यह खुलेगा तो कितना ml ब्लड निकलेगा बाहर? तो यह एक बात बताइए, 70 ml एक बेर में निकलेगा, तो एक मिनट में कितना निकलेगा बाबू? तो एक मिनट में तो क्या हो जाएगा? 70 × 72 एक मिनट में कितना बार? 72 बार धड़कता है। और एक बार में कितना ब्लड निकलता है? 70 बार। तो कितना हो जाएगा? 0 × 7 = 14, 0 × 7 = 7, 0 × 4 = 9, 1 × 10 = 5। तो लगभग कितना हो जाएगा? 500। लगभग कितना हो जाएगा? 5000 ml। तो 5000 ml का मतलब हुआ 5 लीटर। कितना लीटर? आप खूब ध्यान से यहाँ समझिए मैटर को, खूब प्यार से। हृदय एक मिनट में 72 बार धड़कता है, कितना बार? 72 बार। और एक बार धड़कता है तो कितना ब्लड बाहर ले जाता है शरीर में? कितना? 70 ml। तो एक बात, एक मिनट में हमारे शरीर के जितने खून लगभग 5 लीटर खून होता है ना एक स्वस्थ शरीर में, तो एक मिनट में हमारा सभी शरीर हृदय से जाके गुजर जाता है। अब ये प्रक्रिया बहुत तेज होता होगा, इसलिए तो लब डब किए रहता है। और समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक मिनट में हमारा शरीर का जो ब्लड है वह पूरे कहाँ से गुजर जाएगा? हृदय से। कोई दिक्कत? तो इसको याद रखिएगा, एक बेर में तो देखिए तो लगभग एक मिनट में 5 लीटर आ गया ना? अरे 5 लीटर 40 ml आया कि नहीं आया? तो किसी में कम होगा किसी में ज्यादा होगा। यह 72 बार सबका थोड़ा होता है, ये जनरल 72 बार होता है, किसी का कम हो जाएगा किसी का। अब एक्सरसाइज कीजिएगा इसे तो वो तो 150 चला जाता है ना बाबू, सही कि नहीं सही है? एपीटीवन का आके आराम से गोल सुधर दो, उससे 8 बार मारता है बेचारा, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस प्रकार ये हमारा हृदय हो गया। थैंक यू वेरी मच।